हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाबा महाकाल की बारात गीता भवन मंदिर से निकाली गई, जिसमें भोलेनाथ के भक्तों ने डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया। वहीं बारात के साथ कलश यात्रा भी निकाली गई। इस बारात में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। पूर्व पार्षद राधे बौरासी ने बताया कि बारात में सभी धर्म के लोग शामिल हुए और बारात का गीता भवन मंदिर से बड़ी ग्वाल टोली, बारा पत्थर, लाला रामनगर, ग्वाल चौक होते हुए तिलक नगर, रविन्द्र नगर से राम मंदिर पर समापन हुआ। समापन के बाद बाबा भोलेनाथ की महाआरती व महाप्रसादी का वितरण किया गया। सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म और जाति के लोग समारोह में सम्मिलित होते हैं और बड़े पैमाने पर हम गीता भवन मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के पश्चात जब भगवान भोलेनाथ जी के बारात क्षेत्र में घुमाते हैं, जो गीता भवन से प्रारंभ होकर बड़ी वालटोली मेन रोड, बारा पत्थर, दादा राम नगर से गवली मोहल्ला, ग्वाल चौक, विनोबा नगर होते हुए पूरा यहाँ श्री राम मंदिर चौराहे पर पहुंचेगी, जहाँ महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा और उस यात्रा का समापन होगा। तो आप देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में धर्मपरायण लोग आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए। मैं इस जिला के माध्यम से उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। करीब 6 वर्षों से यात्रा हम लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ ही सोनी पटेल, बंटी ठाकुर और सरवन पहलवान, संतोष बराजी, इन सब लोगों के अथक प्रयास से यात्रा निकलती है और हमारा तमाम राजनेता, हमारे पार्टी के बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी के हमारे नेता यात्रा में सम्मिलित होते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। We'll be right back.